देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी गुजरात कोर कमेटी की बैठक जो है वो चल रही है। अमित शाह के आवास पर बैठक लगातार जारी है और इस मीटिंग में सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पटेल शामिल है, मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपला भी मौजूद है। बैठक में दरअसल गुजरात चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा जो है वो हो रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में कौन से वो चेहरे हैं, कौन वो लोग हैं, कौन वो नाम है जिन पर मोहर लगाएगी, या फिर वो कौन लोग हैं जिन पर जिनके सहारे अब विधानसभा चुनाव में आगे बीजेपी जो है वो बढ़ सकती है। तो फिलहाल अहम बैठक जो है वो हो रही है। यहाँ पर तमाम बड़े दिग्गज जो है वो इस बैठक का हिस्सा है। इस बैठक में मौजूद है सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पटेल इस बैठक में शामिल है। गुजरात चुनाव में कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर बीजेपी दांव लगाएगी, इसी बात को लेकर पूरा मंथन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अमित शाह के आवास पर बीजेपी की ये बैठक जो है वो लगातार जारी है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। मंथन किया जा रहा है कि आखिर कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो नाम है जिनके साथ अब बीजेपी जो है वो आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश की हुई थी। तमाम दिग्गज जो थे पार्टी के वो हिमाचल प्रदेश में डेरा डाले हुए थे, लेकिन अब जो अगला नंबर है वो है गुजरात का, क्योंकि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा अमित शाह के आवास पर बैठक जो है वो चल रही है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक के बाद ही गुजरात के आगे की रूपरेखा जो है वो तैयार होगी कि कैसे। इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी दरअसल सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि परिवारवाद वो मुद्दा बहुत ज्यादा खास है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी खुद साफ साफ ये कह चुकी है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सबसे पहले बैठक को लेकर क्या अपडेट है, क्या बैठक अभी भी जारी है, और अगर जारी है तो कितनी देर तक और चलेगी ये बैठक? देखिए, बैठक जारी है और इस बैठक में खुद अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला ये मौजूद हैं। और गुजरात को लेकर जो मंथन 3 दिन तक गुजरात में चला था वो मंथन अब दिल्ली में आ गया है। कल देर रात में भी बैठक हुई थी और आज फिर देर शाम को ये बैठक अभी शुरू हो चुकी है और बैठक में इन लोगों के बीच में मंथन हो रहा है। चूंकि 182 सीटें हैं लगभग, सीटों पर जो मंथन है वो गुजरात से लेकर कल तक हो चुका है, लेकिन आगे किस तरह से इन सीटों पर और क्या मंथन हो सकता है इस बारे में विचार किया जा रहा है। निदा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, तकरीबन 25-30% टिकट कटेंगे गुजरात इलेक्शन में, जो सूत्र हैं भारतीय जनता पार्टी के वो बता रहे हैं। तो ऐसे में नए चेहरों को तरजीह दी जा रही है। नए चेहरे कौन होंगे, क्या वो विधानसभा की उन सीटों को जीतने के काबिल हैं, क्या तमाम, चूंकि कई तरह से रिसर्च, कई तरह के सर्वे ये सब भारतीय जनता पार्टी के पास है, इन सभी पर विश्लेषण होगा और इन सभी पर चर्चा की जाएगी। ठीक है पीयूष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल से लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी है, अभी भी ये काफी लंबी बैठक जो है अमित शाह के आवास पर चल रही है, तो ऐसे में क्या वाकई में इस बार गुजरात जीतना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है? क्योंकि अभी तक मंथन ये हो रहा है कि आखिर कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो नाम है जिन पर दाव जो है बीजेपी चल सकती है, क्या इतना मुश्किल है लिस्ट फाइनल करना बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंतिम तक अपनी सूची में लगातार मंथन करती है, लगातार बैठक करती है, इसीलिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले निदा कई दौर की बैठक होती है। हाँ। और वही एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, और कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उस वक्त जो नाम होंगे वो लगभग फाइनलाइज नाम होंगे, इक्का दुक्का नामों पर चर्चा होगी और उसके बाद वो लिस्ट जल्द ही जनता के बीच होगी, जल्द ही उन प्रत्याशियों के बीच होगी और गुजरात के बीच होगी। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया पीयूष यहाँ पर कि 25-30 नाम ऐसे हैं जिनका टिकट कट सकता है, तो ऐसे में जिन नए चेहरों को लेकर के बीजेपी आएगी, क्या उनको लेकर किसी तरह की कोई बगावत पुराने लोगों में देखने को मिल सकती है? क्योंकि यह भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, अपनों को नाराज करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी और विकल्प के आधार पर ही उनके चेहरों को बदलेगी, तो निश्चित तौर पर वो सारा ही मंत्रणा की जा चुकी होगी और अब ये अंतिम मंत्रणा का रूप आज दिया जा रहा है और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वो सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या लग रहा है, कितनी देर तक और ये बैठक चल सकती है पीयूष, कोई जानकारी? अभी ये बैठक अगले 1-2 घंटे और चल सकती है निदा, अभी ये उम्मीद है कि अगले 1-2 घंटे ये बैठक और चलेगी।
ठीक है, चले पूछ इस बैठक पर आप नजर जो है पीयूष बनाए रखिए, आपसे पल पल के अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजरात को चुनाव को लेकर अहम बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दिल्ली एमसीडी की। दरअसल दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली की हवा प्रदूषित करने के बाद केजरीवाल हिमाचल और गुजरात घूम रहे हैं। देखिए और क्या कहा उन्होंने। दिल्ली एमसीडी चुनाव की जिम्मेदारी डॉक्टर अजय कुमार को दी गई है, प्रभारी इन्हें नियुक्त किया गया है। अजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, दिल्ली एमसीडी चुनाव की जिम्मेदारी आपको कांग्रेस पार्टी ने दी है, किस तरीके से आप एमसीडी चुनाव को देख रहे हैं और क्या रणनीति आप तैयार करेंगे? देखिए, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप अल्पसंख्यक समाज को देख लीजिए, आप अनुसूचित जाति को देख लीजिए, आप महिला को देख लीजिए, बेरोजगार को देख लीजिए, नौजवान को देख लीजिए, पिछड़ा समाज के लोग को देख लीजिए। तो उस दृष्टिकोण से सब लोग परेशान हैं। लेकिन पिछले 8 साल में जितने भी हमारे जो कमिटेड वोटर्स थे, या तो वो आम आदमी पार्टी में चले गए या बीजेपी में चले गए, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन लोगों को वापस लाने की। देखिए, एमसीडी का मतलब है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। ये एमसीडी की जो परिभाषा हो चुकी है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक लिंटर माफिया है। आप जैसे छत पर एक ईंटा लगा दोगे तो वो भाजपा का कॉपरेटर पहुंच जाता है पैसे वसूलने के लिए। इसकी जो खुफिया तंत्र जो है भाजपा का, और चले बढ़ते आगे बागपत में। प्रदेश सरकार की खेल नीति पर राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने जमकर हमले किए और कहा कि दिल्ली के खिलाड़ी नेशनल गेम्स में ढेरों पदक जीत लेते हैं लेकिन यूपी के खिलाड़ी पीछे रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सुविधाओं का अभाव होना है। मेरी ओर से खिलाड़ियों को सुविधाएं दी गई है क्योंकि हम चाहते हैं कि खेल और खिलाड़ी के विकास का पूरा ध्यान दिया जाए। देखिए, यहाँ खेल प्रतियोगिता हो रही है और मैं ये मानता हूँ कि बागपत जिले में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी प्रतिभा है, उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इसलिए जितने ज़्यादा आयोजन इस तरह के ग्रामीण अंचलों में होंगे तो जो टैलेंट है उनको मौका मिलेगा। जनता भी देखना चाहती है, जनता भी इनकी खिलाड़ियों की फीट थपथपाना चाहती है। और फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश के आबादी के हिसाब से अगर आप तुलना करें तो हरियाणा हमसे बहुत आगे। अभी गुजरात में जो नेशनल गेम हुए उसमें उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान मिला। राज्य के शहरी इलाके में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और जागरूक करने के मकसद से इलेक्शन कमीशन झारखंड विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल, कॉलेज और मतदान केंद्रों में शिविर लगाकर नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। कल 9 नवंबर में सभी बूथों में रोल का, ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन किया जाएगी। उसी डेट से 8 नवंबर तक सभी योग मतदाता हैं वो अपने नाम दर्ज करके आवेदन दे सकते हैं। उनका कोई करेक्शन होगा मतलब वो भी दे सकते हैं, किसी का नाम करने में ऑब्जेक्शन होगा वो भी दे सकते हैं। उसका बाद का डेट भी अवेलेबल है, इसी क्लेम में करेंगे। मतलब अभी वो फाइनल रोल पब्लिश होने वाला है 5 नवंबर को, उसमें उनका नाम आ जाएगा इसमें। इसलिए ये अभी रिविजन है वो नहीं है उसी का, उसमें हम लोग अर्बन का, यूथ का, इंक्लूसिव का फोकस करके कर रहे हैं। उसी में कमीशन इसी बार हम लोग का रोल का रिविजन है, वो 5 पिलर पर करने के लिए निर्देश है। एक प्योरिटी ऑफ रोल के बारे में, एक इंक्लूसिवनेस का है, ट्रांसपेरेंसी का है, फिर उसके बाद आपका टेक इनेबल्ड का, वो करके उनका काम करने के लिए दिया गया। उसी डायरेक्शन पर इसी बार काम होगा। अर्बन वोटर पर सिर्फ क्या फोकस? अर्बन वोटर पर काफ़ी संख्या में अर्बन वोटर मिसिंग है उनका फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। साथ ही साथ हम लोग एक प्रथम हफ्ता होगी, एक एक अपार्टमेंट में हम लोग को उसका कैंप लगाने के लिए डायरेक्शन दिया हुआ ताकि एक एलिजिबल वोटर अपने काम कर सकते हैं उसमें। साथ ही साथ अभी एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो गया है, वो वोटर अपने स्वयं मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाउनलोड करते हुए अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं। उनका एप्लीकेशन का वो फॉलोअप भी कर सकते हैं ताकि उनका नाम का एंट्री कर सकते हैं। किसी का भी वोटर कार्ड होगा उसका बात भी वो अपने नाम का उसमें वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं उनका कौन सा बूथ है कैसा।
राजस्थान के बाड़मेर जिले की रिफाइनरी के बाहर उस समय बड़ा बवाल मच गया जब रिफाइनरी के बाहर शांतिपूर्वक धरना दे रहे लोगों को गाड़ियों से कुचलने की कोशिश की गई। इस हमले में तहसीलदार और पुलिस वाले भी बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक रिफाइनरी के बाहर कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उसी समय कुछ बिना नंबरों की गाड़ियों से हमलावर आए और उनको कुचलने की कोशिश की गई। इस हमले के बाद गुस्साई भीड़ ने दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो राजस्थान के बाड़मेर की ये तस्वीरें जहां पर देखिए दो गुट जो थे आपस में कैसे भिड़ गए। दरअसल बाड़मेर में ये बुलात्रा रिफाइनरी के बाहर जमकर बवाल हुआ था। रोजगार की मांग ये लोग कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को जिस वक्त ये मांग कर रहे थे कुचलने की कोशिश की गई और जो यहां पर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी उपद्रवी, उन्होंने यहाँ पर खूब जमकर हंगामा किया। आज सुबह ही जैसे मुझे इन्फॉर्म हुआ कि यहाँ 36 कौम के कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जो कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने की प्राथमिकता हो या ठेका लेने की जो प्राथमिकता हो और कुछ न्यूसेंस जो लोग दूसरे फैला रहे हैं यहाँ पर, कुछ आए दिन शांति भंग के वगैरह के मैटर होते रहते हैं, तो उस पर्पज़ से यहाँ लोगों ने कुछ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। रिफाइनरी में गेट नंबर 3 पर करीबन 2 घंटे पूर्व करीबन 6-7 गाड़ियों में कुछ असामाजिक तत्व आए थे। वहाँ तहसीलदार जी साहब एक पक्ष का ज्ञापन ले रहे थे, उस समय उन गाड़ियों से हमला किया, प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों पक्ष झगड़े और इसी दौरान दो गाड़ियों को आग लगा दी। मौके पर अभी सीओ बालोत्रा और सीओ पचपदरा और करीबन 60 लोग हम मौजूद है और रिफाइनरी व्यवस्थित रूप से चल रही है, कानून व्यवस्था शांति है। जो हमलावर है क्या आइडेंटिफाई हो पाया क्या सर, कौन थे? अभी कर रहे हैं इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, FIR ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल मऊ दौरे पर रहेंगे और उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है और इसी के साथ अस्पताल प्रशासन जिला अस्पताल की साफ सफाई के इंतजाम में लगा हुआ है। तो उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है। कल उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और यहाँ साफ सफाई की सारी तैयारियाँ हो रही है और बाकी कल तक पूरी हो गई। अब हमारे यहाँ जो नियमों की कमी थी वो पूरा हो गया है जी। अब जो है जो शासन देगा वो अब कोई जरूरत है, शासन में लिखकर के चला है, उसके बाद जो शासन देगा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे जहां उन्होंने सापला स्थित छोटू राम संग्रहालय में किसान मसीहा चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा ने खेलों में पूरे विश्व में डंका बजाया है। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव की जरूरत है और चौधरी छोटू राम के दिखाए रास्ते पर चलकर समाज में बदलाव किया जा सकता है। आपके ओजस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री का मैं आभार प्रकट करूंगा कि जब 6 अगस्त को घोषणा की गई कि मैं निर्वाचित हो गया, आपने मुझे एक बात कही, हरियाणा की शुरुआत इस स्थान से कर ली है। उस दौरान जब देश भर के किसान मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, भाई विजेंद्र ने मुझे 5 पुस्तकें दी, सब छोटू राम की भाषण थी, उनके विचार थे और 2 सेट दे आर दी मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन ऑफ माय लाइब्रेरी, दे विल एवर इंस्पायर मोटिवेट एंड एनर्जाइज। यहाँ उपस्थित आपके अध्यक्ष अयोम प्रकाश धनखड़ जी, मंत्री कंवर पाल जी, प्रेमलता जी, भाई विजेंद्र जी, मनीष ग्रोवर जी और सबसे महत्वपूर्ण मेरे सामने मेरे बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद मुझे हर पल चाहिए, आपके आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। यदि अगर किसान पुत्र को यह सम्मान दिया गया है, यह सम्मान मेरे को नहीं है,
इस सम्मान के असली हकदार रहा। हरियाणा के बारे में आपको हम पहले भी व्यक्तिगत मिलना हुआ बता चुका हूँ कि हरियाणा देश के उन अग्रणी राज्यों में से है। आबादी छोटी है, हमारा क्षेत्रफल कम है, लेकिन हम हर क्षेत्र में जो अपनी प्रगति कर रहे हैं। हमारा एक कृषि प्रधान जो प्रदेश है, अभी तक कृषि प्रधान कहते थे, अब इसको हम आगे कृषक प्रधान प्रदेश ऐसा बनाने के लिए संकल्प है, संकल्प है। कृषकों की आय कैसे ज़्यादा बढ़े, उस नाते से जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। हमारा उद्योग ये भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। आर्थिक स्थिति हरियाणा की जीडीपी का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो भी देश का जो एवरेज कंट्रीब्यूशन है उससे डबल है। हम केवल कृषि में ही नहीं तो बल्कि सेना में हमारी भागीदारी है। आबादी 2% है लेकिन सेना में हमारी जो भागीदारी है वो लगभग 10% है। 5 गुना हम ज़्यादा उसके अंदर अपनी भागीदारी करते हैं। और इसमें उल्लेखनीय विषय अगर मैं करूँगा तो हमारे यहाँ खेल खिलाड़ी हमारा जो पहलवान है वो भी न केवल देश में बल्कि दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए हैं, उसमें भी बहुत आगे हैं। गिनाने के लिए बहुत बातें गिनाई जा सकती हैं लेकिन आज इस अवसर पर तो आपके स्वागत हेतु, आपके आगमन पर आपका अभिनंदन करने हेतु मैं पुनः अपना स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि हरियाणा प्रदेश पर बनी रहे। यही बात कहते हुए समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।